आरसीएम, मजा नहीं आया। जय आरसीएम। माय नेम इज युवराज शर्मा और मैं राकेश शर्मा जी का बेटा हूं। एक बार जोरदार ताली जाऊंगा पापा के लिए। तो इंट्रोडक्शन की बात करूं तो मैंने 12th कंप्लीट है, अभी मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में हूं और बीबीए एलएलबी कर रहा हूं और साथ साथ मैं बचपन से ही आरसीएम को देखता आ रहा हूं और क्या कहते हैं इस बिजनेस में बहुत करने का इंटरेस्ट है। और क्या कहते हैं अभी पापा ने पूछा था मेरे से कि अभी 18th बर्थडे पे क्या चाहिए, तो मैं कुछ नहीं सिर्फ आरसीएम की ज्वाइनिंग करा देना। पापा ने काफी छोटी उम्र से इस बिजनेस को सीखना शुरू कर दिया था और सबसे छोटी उम्र के रॉयल्टी टेक्निकल स्टार रूपी और सफायर बने थे। आज मैं यहाँ स्टेज पे वादा करके जाता हूँ कि अपने पापा का रिकॉर्ड तोड़ूंगा और सबसे छोटी उम्र का स्टार डायमंड बन के जाऊंगा। थैंक यू। नेक्स्ट, फटाफट से आ जाओ, जो तेजी से आएगा चॉकलेट मिलेगी। चॉकलेट के लिए आऊ मैं सिर्फ। तो जय आरसीएम, मेरा नाम विनय विरोधिया है, मैं श्री विजय विरोधिया जी का लड़का हूँ और मैं इस आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं इस अभी नेक्स्ट जनरेशन का पार्ट हूँ और ये बिजनेस हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज देता है। अपॉर्चुनिटी से मुझे कोट याद आता है कि इट्स नॉट अबाउट हैविंग द राइट अपॉर्चुनिटीज, इट्स अबाउट हैंडलिंग द अपॉर्चुनिटीज राइट वे, इन अ राइट वे। इसका मतलब है कि ये बात नहीं है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज सही है या नहीं, बात यह है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज को सही तरीके से हैंडल करते हैं या नहीं करते। ये बिजनेस आपको नाम बनाने का मौका देता है। मेरे पापा ने इस बिजनेस से बहुत बड़ा नाम कमाया है, अपनी लॉयल्टी की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से, अपने जोश की वजह से, उन्हें जोश मशीन भी बोला जाता है इस बिजनेस का। मैं एक ही मेरी इच्छा है कि मैं अपने पापा से बड़ा नाम कमा पाऊं इस बिजनेस से, इस इंडस्ट्री में अपने पापा से बड़ा नाम बना सकूं, बस यही है मेरी। जय आरसीएम। थैंक्स। जय आरसीएम। मायसेल्फ अजय सहारन, सन ऑफ मिस्टर महावीर सहारन, और करेंटली मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं और मैं खुद को बहुत लकी मानता हूं कि मैं महावीर सहारन का बेटा हूं और जब से पैदा हुआ हूं, जब से पापा को देख रहा हूं आरसीएम को करते हुए, पर मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं आरसीएम को जी रहा हूं। थैंक यू। ग्रेट, बहुत अच्छे। नेक्स्ट। कैसे हो जय आरसीएम दोस्तों? मेरा नाम डॉक्टर विजय राठौड़, मेरे पिता का नाम विजेंद्र सिंह राठौड़। दोस्तों मैं पेशे से डॉक्टर हूं और जयपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं जॉब करता हूं आईसीयू के अंदर। और मेरा एक आरसीएम को लेकर दोस्तों एक ही परसेप्शन बना है आज और पिछली एक मीटिंग से कि मुझे अपना डॉक्टरी का पेशा है उसे पार्ट टाइम करना पड़ेगा और आरसीएम मुझे फुल टाइम करना पड़ेगा। दोस्तों मंजिलें क्या हैं, रास्ते क्या हैं, हौसले हो तो फासले क्या हैं। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू। मेरा नाम आयुष कुमार है, मेरे पापा का नाम धर्मेंद्र कुमार है, डी कुमार, और मैं बीएलएलबी कर रहा हूं। आई हैव डन क्लैट और मेरी रैंक 1700 के आसपास थी। बस यही चीज कहना चाहता हूं कि जब छोटा था तो दुख बहुत होता था। दुख इस बात का होता था कि पापा के साथ टाइम नहीं मिल पाता था, पापा मेला नहीं घुमाने ले जाते थे, बाइक पे नहीं घुमाते थे आरसीएम की वजह से। लेकिन जितना दुख होता था उससे 100 गुना खुशी होती है। सिर्फ आरसीएम की वजह से आज जो भी मैं सोच सकता हूँ, जो भी मैं ड्रीम लेता हूँ, वो सब पापा का पूरा सपोर्ट होता है। और पापा का सपोर्ट इसलिए होता है क्योंकि उनके साथ, उनके पीछे आरसीएम है। आरसीएम इज द सपोर्ट बिहाइंड हिम एंड ही इज द सपोर्ट बिहाइंड हिम। सो आई लाइक टू से थैंक यू पापा, थैंक यू टू एवरीवन, एंड यू ऑल्सो डू दिस बिजनेस। थैंक यू। जय आरसीएम। मेरा नाम तन्वी वत्स है, मैं सुरेंद्र वत्स जी की बेटी हूं। ये अपॉर्चुनिटी मेरा ये सौभाग्य है कि मैं
उनके घर में पैदा हुई और मुझे 24 सालों से ऐसी परवरिश मिली है जो सिर्फ और सिर्फ इस आरसीएम बिजनेस की वजह से, आरसीएम सिस्टम की वजह से, आरसीएम की कम्युनिटी की वजह से है। मैं अभी एमबीए की पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे एमबीए की एक साल कंप्लीट हो चुका है। एंड एमबीए के पहले साल में हमें बताया जाता है कि एक बिजनेस कैसे वर्क करता है, उसमें कान क्या क्या चीजें हैं, क्या टेक्निकल स्किल्स आपको चाहिए, वो सब हमें सिखाई जाती हैं। और इस एक साल के खत्म होने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि यार मेरी एमबीए तो वैसे तो एक साल पहले शुरू हुई, पर मैंने एमबीए को प्रैक्टिकली जीना सीखना मेरे ख्याल से बचपन से शुरू कर दिया था, जब से पापा ने आरसीएम शुरू किया। और कहीं ना कहीं ये समझ आ गया कि एमबीए की 2 साल की पढ़ाई इज इक्वल टू 1 ईयर ऑफ आरसीएम बिजनेस। थैंक यू। जय आरसीएम। माई नेम इज नेहा, डॉटर ऑफ मिस्टर विनोद शर्मा। I'm currently pursuing BBA in specialization with IBM. Just want to say thank you to RCM and UES for giving us this great opportunity. And we have been part of RCM family since I was born. And we are very grateful for that. And now it's time for us to show the first generation what this next generation can do. Thank you. Jai RCM. Bhai bolo sare, kya ho gaya? Jai RCM! मेरा नाम कोहिनूर चौधरी, डॉटर ऑफ मंजू जैनराम चौधरी। मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। जितना मुझे पता है, जितने मेरी नॉलेज है, लोग जो काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनमें उसमें इनकम तो मिल रही है, पर साथ साथ में टेंशन और स्ट्रेस भी फ्री में मिले जा रहा है। पर आरसीएम बिजनेस यह आपको टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री रहना सिखाता है। मतलब 1% भी ऐसा मतलब दिखेगा नहीं कि जो ये जो कोर लीडर्स हैं कि कोई टेंशन में है, कोई स्ट्रेस में है, हर कोई मुस्कुराता रहता है, खुश रहता है। अभी कैसे सारे यहाँ पे डांस कर रहे थे, खुश थे ना? मेरे पापा मिस्टर जनरल चौधरी, मेरे नाना जी महावीर सारन, उनके चेहरे देख लीजिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं। ये चमक से नहीं आ रही उनके चेहरे पे, उसका कुछ कारण की सोल की बीबी क्रीम भी है। मैं मतलब अभी स्कूल से 5 साल हुई हूँ और उसमें लगभग 2500 बच्चे होंगे। मुझे कि उनमें से सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट, सबसे ज्यादा टूर मुझे करने का मौका मिला है। पता है मुझे लगने की क्या है इसमें, आरसीएम बिजनेस में सिर्फ इनकम नहीं मिलती, नहीं इनकम नहीं, साथ साथ में टॉप लेवल का एंजॉयमेंट भी मिलता है भाई। नहीं सही है बात, तो सही है, ताली बजा दो फिर। जय आरसीएम। मिराज जय आरसीएम। जय आरसीएम। आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया, लंच नहीं किया क्या? कोई नहीं, आरसीएम है तो लंच हो जाएगी, चल। जय आरसीएम। मेरा नाम निधि कुमारी, मेरे पापा का नाम अमन निशांत, मैं बिहार की हूँ। बेसिकली मैंने अभी ग्रेजुएशन किया है फैशन डिजाइन, और अभी मैं वर्क कर रही हूँ एज अ फैशन हाउस में, मैं एज अ डिजाइनर। बट एक बात बताऊ, वो खुद भी एक आरसीएम बिजनेस करती है, वो जिसके हाउस में मैं काम कर रही हूँ ना, वो लेडी खुद भी आरसीएम का प्रोडक्ट खा रही है, और वो मुझे बताती भी है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सोचो जब मेरी ऑफिस के ओवर वो लोग खा रहे हैं आरसीएम के सामान, तो फिर आप लोग को क्या प्रॉब्लम है? आप लोग भी ज्वाइन हो और मस्त एंजॉय करो। और ये जो लिखा है ना नेक्स्ट जनरेशन, पापा ने वर्क किया और आज हम लोग आगे जनरेशन बढ़ाएंगे। जय आरसीएम। जय आरसीएम। मेरा नाम बीर सिंह है, मैं आदरणीय सुजीत कुमार सिंह का बड़ा लड़का हूं। मैं जब बहुत छोटा था तब से मैं आरसीएम की मीटिंग्स में आता जाता रहता हूं, और मुझे बहुत चीजें सीखने को मिली है। मेरे पापा हमेशा कहा करते थे कि एक
समय था जब उन्हें एक साइकिल की किश्त चुकाने के लिए 6 महीने लग गए थे और आज 1 महीने की इनकम से वो गाड़ियां खरीद सकते हैं। और मेरी सिचुएशन अभी ऐसी नहीं है तो मैं 7,000 लोगों के सामने ये गारंटी दे सकता हूं कि मैं अपने पापा के बिजनेस को 10 गुना आगे लेकर जाऊंगा। जय से नेक्स्ट जय आशीम। मायसेल्फ प्रणित सिंह, आई एम द सन ऑफ मिस्टर प्रमोद कुमार सिंह। मैं तो अभी बहुत छोटा हूं बट मैं ये कह सकता हूं कि फ्यूचर में अगर आरसीएम को मेरी जरूरत पड़ी तो मैं आरसीएम के साथ हूं और जहां वो लोग मुझे बुलाएंगे मैं वहां आ जाऊंगा। थैंक यू। जय आरसीएम। जय आरसीएम। साथियों नमस्कार। जय आरसीएम। मेरा नाम दीपक करवा, सन ऑफ श्री बीडी करवा, और इस सिस्टम को मैं पापा के कंधे से कंधे मिला के आगे बढ़ा रहा हूं और साथ सीख रहे हैं लगातार और बहुत एंजॉय कर रहे हैं और फुल फ्रीनेस वाली लाइफ, हैप्पीनेस वाली लाइफ हम जी रहे हैं और बहुत आनंद कर रहे हैं, बहुत मजे कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं अपना पैशन, मेरा स्नूकर है और राजस्थान स्टेट चैंपियन हूं करेंटली मैं अभी, तो साथ ही साथ बिजनेस को बिल्ड करते हुए बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग। जय आरसीएम। जय आरसीएम। ओके, गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा, खुशियों का कल ढूंढना होगा, खुशियों का कल ढूंढना होगा, बेरोजगारी का हल ढूंढना होगा। बिफोर लिविंग माई स्पीच आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट विशेज एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक यू लॉट फॉर हैविंग मी अ चांस टू शेयर माई व्यूज ऑन वाई Why today there is a great need of a network marketing. Myself is Sufyan. एक बात मेरे जैसे बेरोजगारों के लिए, आज गरीबी में जिले दोस्त, आज गरीबी में जिले दोस्त, कल बादशाहों में अपना ही नाम होगा। पर कैसे होगा? नौकरी है नहीं, बिजनेस के लिए पैसा नहीं, एंड प्राइवेट सेक्टर्स कांट प्रोवाइड यू फुल टाइम जॉब, तो कैसे होगा सपना पूरा अमीर बनने का? सोचो, जैसे जैसे लोग पढ़ रहे हैं नौकरी में कंपटीशन बढ़ रहा है। आजकल एक चर्चा जोरों पर है, सरकार ने एजुकेशन देकर हमें खाली किया पर्स, फिर मोबाइल तुम्हारे हाथ में, बोली जॉब करो सर्च, देन व्हिच इज द लास्ट ऑप्शन टू बिकम अ रिच, इट्स ओनली आरसीएम, नेटवर्क मार्केटिंग एंड हार्ड वर्किंग। अंत में मैं कुछ कहना चाहूंगा कि खुद को मेहनत में फ्राई कर, हारने के बाद एक बार और ट्राई कर, मंजिल आपकी कदम चुमेगी, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर। थैंक यू। मैं सुजीत कुमार सिंह का छोटा लड़का बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बड़े होकर पापा के जैसा बिजनेस करूंगा। जय आरसीएम। आवाज नहीं आई। जय आरसीएम। जय आरसीएम। थैंक यू। मैं राशि विरोधिया, मिस्टर जोश मशीन विजय विरोधिया की बेटी हूँ एंड सेकेंड जनरेशन के उससे ये प्रोग्राम बिजनेस कर रही हूँ। और ये सब ये कोर लीडर्स ये तो लीडर्स बाद में, मेरे लिए पहले अंकल्स हैं जिनके साथ सारी की सारी मेमोरीज मेरी ट्रिप्स की और मौज मस्ती वाली रही है, तो होपफुली आगे काम करते वक्त भी इनके साथ सारी वैसी ही मेमोरीज रहेंगी। एक बात कहना चाहती हूँ, जो एक कहावत सेइंग है बहुत फेमस कि जहाँ पे लोग काम के पीछे पैसे के पीछे भागते हैं वहाँ पे मोस्ट सक्सेसफुल रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट पीपल नेटवर्क्स के पीछे भागते हैं। और मेरे पापा ने तो मेरे लिए इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा करके रखा है, तो मैं क्यों ना आऊँ इस बिजनेस में। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। मैं नीरा चामड़ा,
और सभी तो यहाँ पे बच्चे आए थे कोर लीडर्स के, बट मैं बीसी छाबड़ा जी की बहू हूँ, इसी बात पर तालियां बजा दीजिए आप सभी लोग। देखो फर्स्ट जनरेशन ने तो ये प्रोग्राम आज सेकंड जनरेशन के लिए किया है, इतना जोरदार एनर्जेटिक प्रोग्राम। अब सेकंड जनरेशन को बिल्कुल इससे ज्यादा पावरफुल एनर्जेटिक प्रोग्राम करके दिखाना है। आप सब साथ हैं सेकंड जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए? आप सभी पावरफुल और एनर्जेटिक प्रोग्राम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के। हेलो फ्रेंड्स, जे आर सी एम, माइसेल्फ नवीन अत्री, सन ऑफ मिस्टर एस अत्री। सभी लोग बता चुके हैं कि आरसीएम की वजह से उनकी फैमिली पे, उनके लाइफस्टाइल पे कितना फर्क पड़ा है। सेम मेरे साथ भी है, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा काम करने को लेके एटीट्यूड, लाइफ की तरफ एटीट्यूड, हमारी एजुकेशन, इस सब का आरसीएम बिजनेस की वजह से बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इसका ओवरऑल इम्पैक्ट ये रहा कि हम पिछले 20-25 साल में अनेकों डोमेस्टिक ट्रिप्स, अनेकों इंटरनेशनल ट्रिप्स मार चुके हैं। इस टाइम पे हम बहुत अच्छे गुड़गांव के बहुत अच्छी सोसाइटी के एक 4 करोड़ के फ्लैट में रहते हैं, और एजुकेशन वाइज हमारी मेरे भाई ने, मेरी बहन ने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। मैंने अपनी मास्टर्स कैट में 99% लाने के बाद XIMD कॉलेज से की, और मेरे छोटे भाई ने भी अपनी मास्टर्स लंदन के एक लीडिंग इंस्टीट्यूट से की। मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने एक अच्छी कंपनी में ज्वाइन किया, और अभी मैं EY कंपनी में काम कर रहा हूं एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर, और मेरा ईयरली पैकेज 55 लाख रुपए का है। मेरे अंडर एक बड़ी टीम है, लेकिन जब मैं एक लाइफस्टाइल कंपेयर करता हूं कोर लीडर्स का, मेरे पापा का, इन सभी कलीग्स के साथ, तो मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई देता है। वो सभी काम की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, 30 साल की उम्र में वो 50 साल जैसे दिखने स्टार्ट हो गए हैं। इसके अलावा अगर उनको एक दिन की छुट्टी लेनी हो तो उनको 3 महीने पहले अपने मैनेजर से परमिशन लेनी पड़ती है, उनके पास कोई टाइम फ्रीडम नहीं है। और यही अगर हम कंपैरिजन कोर लीडर्स के साथ करें, या जो मैंने मेरे पापा के साथ देखा है, वो जब चाहे, जहां चाहे, जितना चाहे उतना काम करते हैं, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग करते हैं। अभी वो बाली घूम के आए, इससे पहले गोवा गए थे, इससे पहले भी अनेकों ट्रिप्स कर चुके हैं, उनका ट्रिप्स का सिलसिला बेसिकली चलता रहता है। और अगर आप हेल्थ वाइज भी देखते हैं तो यहां से भी डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, उनके फेस पे इतना ज्यादा ग्लो रहता है, उनकी ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तो एक प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय कभी भी आरसीएम बिजनेस के साथ अपना लाइफस्टाइल कंपेयर कर ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है आरसीएम बिजनेस एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, स्पेशली नई जनरेशन के लिए। मैंने भी आरसीएम बिजनेस में काम करना स्टार्ट कर दिया है, अभी मैं थोड़ा इनडायरेक्ट लेवल पे काम कर रहा हूं, पापा को डिजिटल फुटप्रिंट में, वीडियोस में, पावर पॉइंट में, एक्सेल में जो हेल्प चाहिए होती है वो मैं सपोर्ट करता हूं। अभी मैं फील्ड में नहीं आया हूं, कुछ टाइम बाद हो सकता है मेरा पैकेज 70 लाख का हो जाएगा, 80 लाख का हो जाएगा। लेकिन जब मैं फील्ड में आऊंगा, जब मैं पूरा प्रिपेयर हो जाऊंगा, फिर मैं मेरी जॉब को फुल टाइम क्विट करके फुल टाइम आरसीएम बिजनेस करने लग जाऊंगा, ताकि लोगों के पास एक मैसेज जाए कि 70-80 लाख का पैकेज छोड़ के भी आप आरसीएम बिजनेस कर सकते हो। एक मैसेज मेरा यंग जनरेशन के लिए यह है कि हमें इस आरसीएम बिजनेस को बहुत ही सीरियसली देखना चाहिए, बहुत ही सीरियसली करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की आरसीएम बिजनेस के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इस टाइम पे बहुत अच्छे हैं। तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन का इवेंट है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हमें बड़े डिसीजन लेने में और हमारे स्किल सेट इंप्रूव करने में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। थैंक यू वेरी मच। जे आरसीएम। हेलो आरसीएम परिवार, जय आरसीएम। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम निकिता मेघवंशी, प्राउड डॉटर ऑफ मिस्टर प्रहलाद राय मेघवंशी। मैं हमेशा अपने नाम के आगे प्राउड इसलिए मेंशन करती हूँ क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने आरसीएम चूज किया।
क्योंकि अगर वो आरसीएम चूज नहीं करते तो मैं शायद अभी किसी गांव में गाय का दूध निकाल रही होती या चूल्हे पे रोटियां बना रही होती। तो मेरी लाइफ में ये जो 360 डिग्री चेंज आया है ये मुझे सिर्फ और सिर्फ आरसीएम की वजह से मिला है। ये शायद मुझे किसी और बिजनेस से या जॉब से अगर पापा करते तो शायद नहीं मिलता। और जब भी मुझसे पूछा जाता है कि आरसीएम क्यों करना चाहिए तो ये इवेंट देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए वो हमारे लीडर्स आपको अच्छे से बताएंगे। मुझे सिर्फ आरसीएम से मजे लूटना आता है। मैंने सिर्फ और सिर्फ आरसीएम का पूरी तरीके से फायदा उठाया है। जैसे मैं कल पापा से कह रही थी, हमारा 5-स्टार होटल में डिनर चल रहा था कल मीटिंग के बाद में, तो मैंने पापा से कहा, पापा मैंने अभी तक कोई पिन अचीव नहीं की है, कोई लेवल अचीव नहीं किया है, लेकिन आपकी वजह से मैं सारे कोर पिन के फायदे उठा पा रही हूँ। सारे कोर पिन के जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो सिर्फ आपकी वजह से मैं उठा पा रही हूँ, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। बाकी जैसे लास्ट ईयर ये इवेंट हमने अटेंड किया था तो पहले ऐसा लगता था कि आरसीएम कहीं जा थोड़ी रहा है, क्योंकि बचपन से आरसीएम को देखती हुआ है, जब से बड़े हुए घर में हमेशा आरसीएम, पूरी फैमिली आरसीएम में इंक्लूडेड है, तो ऐसा सोचा नहीं था कि आगे जाके आरसीएम करेंगे। बचपन से ऐसा लगता था कि आरसीएम तो घर का हिस्सा है, एक परिवार का हिस्सा है, तो जब इच्छा होगी तब कर लेंगे। लेकिन जब लास्ट ईयर ये इवेंट अटेंड किया तो उसके बाद लगा कि नहीं, अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत पापा के साथ में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो पापा ने भी बहुत कभी फोर्स नहीं किया, लेकिन इस बार जब मेरे को एक इवेंट अटेंड करना था और मैं सोलो जा रही थी, क्योंकि इन्हें पता था, इन्होंने हमारी लाइफस्टाइल ऐसी जनरेट कर दी, ऐसी बना दी है कि हम बहुत आराम से रहते हैं, तो इन्होंने मेरे लिए बिजनेस क्लास टिकट की, वो भी सिर्फ जयपुर टू बॉम्बे, सिर्फ 1.5 घंटे का सफर तय करना था, उसमें भी इन्होंने मुझे बिजनेस क्लास टिकट करके दी, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट सोलो इवेंट था, तो ये चाहते थे कि वो मेरे लिए स्पेशल हो। तो इसको स्पेशल बनाने के लिए इन्होंने उनकी पूरी कोशिश करी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर शायद अगर आरसीएम नहीं होता तो मेरे को नहीं पता था कि मैं कभी बिजनेस क्लास टिकट में ट्रैवल भी कर पाती इस तरह से। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू आरसीएम। और एक लास्ट बात मैं यही कहना चाहूंगी कि पापा की लाइफ में आरसीएम कैसे आया, उनका बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा, लेकिन उन्होंने एज ए गिफ्ट मुझे आरसीएम ऐसे ही सौंप दिया इतनी आसानी से, और जिससे मैं इसका पूरा फायदा उठा रही हूँ और आगे भी उठाती रहूंगी और बहुत अच्छे से इस बिजनेस को नेक्स्ट मुकाम पे पहुंचाऊंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थे वो बच्चे जिन्होंने अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं और आगे फ्यूचर को लेके इस बिजनेस को कमिटमेंट कर रहे हैं। देखिए, लड़ाई दोस्तों दो चीजों की होती है, जॉब वर्सेस बिजनेस। जॉब, अगर आप जॉब की तरफ आप लोगों को थोड़ा सा फोकस कराऊं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जॉब के अंदर एक आदमी बन जाता है अपने करियर में, पूरी जिंदगी मेहनत करके जब वो रिटायर होता है तो 50 से 60 या 70 लाख रुपए उसे मिलते हैं। 70 लाख में से 50 लाख वो मकान में लगा देता है, 10 लाख बच्चों की शादी में लगा देता है और 10 लाख रुपए अपनी एजुकेशन पे खर्च करता है। और जब उसकी उम्र 65 से 70 साल या 80 साल की उम्र तक आते हैं तो उसका बैंक बैलेंस हो जाता है 0। ये होता है जॉब का मीनिंग। मतलब 80 साल की उम्र में आते आते वो आदमी अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी को भी नहीं बचा पाता, लेकिन वहां से चालू होता है आरसीएम। जब उस 80 साल के आदमी को ये बोला जाता है कि अब तू किसी काम का नहीं है, तब आरसीएम बोलता है, आजा मेरे पास, अब तू मेरे काम का है। जब तक जिएगा पैसा आएगा, और जिस दिन दुनिया छोड़ेगा उसके बाद भी पैसा आएगा, आएगा और आएगा। तो डिसीजन ले लेना, जॉब अच्छी है या आरसीएम। And